खबर रीवा जिले से है, जहां जयस्तंभ चौक में संचालित पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई तृतीय जिला न्यायाधीश रीवा के आदेश के बाद की गई है। आपको बता दें कि उक्त पेट्रोल पंप शासकीय जमीन पर संचालित था, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय के द्वारा शासन के आदेश में पक्ष में निर्णय आने के बाद एसडीएम की मौजूदगी में नगर निगम अमले और भारी पुलिस बल के मौजूदगी ने उक्त पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि उक्त जमीन मध्य प्रदेश शासन की थी। न्यायालय से फैसला आने के बाद सील कर दिया गया है। आइए दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं एसडीएम ने क्या जानकारी दी है। ये पेट्रोल पंप जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थापित किया गया है, इसको सील किया जा रहा है। माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुसार ये भूमि मध्य प्रदेश शासन है और ये केस काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। 2019 से ये रजिस्टर हुआ था और शासन के पक्ष में फैसला आने के बाद पेट्रोल पंप को सील किया गया है और भूमि जो 3962 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन है, इसको मध्य प्रदेश शासन के अधिपत्य में लिया गया है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।